वेलकम स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट होता क्या है एडवर्टीज़मेंट जो है आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है बूथ इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ और इसके मार्क्स जो हैं वो हैं फाइव मार्क्स वन मार्क्स जो है फॉर्मेट के लिए तरीका कैसा है लिखने का और टू मार्क्स जो है कंटेंट के लिए जो है कंटेंट जो आप लिख रहे हो उसमें उसके लिए टू मार्क्स एंड वन मार्क्स इज़ फॉर द एक्सप्रेशन तो एडवर्टीजमेंट होता क्या है एडवर्टीजमेंट मीन्स पब्लिक नोटिस और अनाउंसमेंट मतलब आप इश्तिहार या अनाउंस कर रहे हो पब्लिक में कि आप कुछ खरीदना चाहते हो या बेचना चाहते हो ओके okay. फॉर एग्जांपल आपके पास गो गाड़ी है कोई और आप अब अब आप दूसरी गाड़ी लेना चाहते हो तो पुरानी गाड़ी बेचना चाहते हो तो ताकि वो जल्दी बिक जाए आप उसका इश्तहार जो है अखबार में देते हो तो इसी ताकि वो जल्दी बिक जाए इसी बोलते हैं एडवर्टीज़मेंट तो इसी को ड्राफ्ट करना आपको आना चाहिए तो ये एग्ज़ाम में आता है और ये पाँच नंबर का है जैसे मैंने कहा एडवर्टीज़मेंट हम काफ़ी चीज़ों के लिए दे सकते हैं जैसे कि मिसिंग पर्सन के लिए एडवर्टीज़मेंट होती है सेलिंग प्रॉपर्टी बाइंग प्रॉपर्टी व्हीकल जैसे मैंने कहा आपको तो ये सब चीज़ के लिए हम एडवर्टीज़मेंट देते हैं तो एडवर्टीज़मेंट जो है आपको फ़र्दर समझ आएगी एक सूटेबल एग्ज़ैम्पल से जो आपके सामने है यहाँ पर इसको थोड़ा मैं ज़ूम कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको क्लियर नज़र आए तो ये है तो एग्ज़ैम्पल क्या है गर्गी पब्लिक स्कूल इन आगरा स्कूल का नाम है ये गर्गी पब्लिक स्कूल इन आगरा रिक्वायर्स ए क्रिकेट कोच अब जो ये स्कूल का नाम है वहाँ क्या है क्रिकेट कोच की ज़रूरत है आपको क्या करना है ड्राफ्ट ए स्यूटेबल एडवर्टीजमेंट आपको जल्दी चाहिए वो टीचर ये कोच तो उसके लिए आपको क्या करना है एक स्यूटेबल एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट करनी है बनानी है और इन नॉट मोर देन फिफ्टी वर्ड्स इंपॉर्टेंट याद रखें कि आपको फिफ्टी वर्ड्स के अंदर अंदर बनानी है फॉर द सिचुएशन वैकेंट मतलब वैकेंसी है तो सिचुएशन वैकेंट ही बना और आपने किस अखबार में देना है डेली हरल्ड में देना है स्टेटिंग योर रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और आपने जो एडवर्टीजमेंट बनाओगे पचास वर्ड्स के अंदर अंदर उसमें आपने स्टेट करना है कि कैंडिडेट की एज कितनी होनी चाहिए क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए और एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए और आप क्या हो यू आर द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल आप क्या हो प्रिंसिपल हो स्कूल के आप प्रिंसिपल हो और आपने क्या करना है एडवर्टीजमेंट देनी है एक क्रिकेट कोच के लिए ओके आप किस तरह ड्राफ्ट करोगे सबसे पहले अपना स्कूल का नाम जैसे गर्गी पब्लिक स्कूल बी टू गगन विहार और फोन नंबर वगैरह आप इतना नहीं लिखना चाहो तो नहीं लिखो आप क्या कर सकते हो सीधा लिख सकते हैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल वाड़वन रिक्वायर्स क्रिकेट कोच कॉमा सिंपल प्रेफरेबली मेल और प्रेफरेंस किसको दे रही है दे रहे हैं हम मेल को बिलो ट्वेंटी फाइव ईयर्स ऑफ एज उसकी एज पच्चीस साल से कम होनी चाहिए एंड मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ टू टू थ्री ईयर्स और उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम दो से तीन साल का क्वालिफिकेशन एंड सैलरी एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स आप देख रहे हो आप ध्यान रख रहे हो कि जो वर्ड्स हैं वो मिनिमम यूज़ हुए हैं क्वालिफिकेशन एंड सैलरी एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एप्लीकेशन फॉर्म्स अवेलेबल एट स्कूल काउंटर Between 10 a.m. to 4 a.m. should reach the recruitment 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 office tomorrow positively यहाँ पे principal line पे लिखा हुआ है okay तो आप अगर notice करोगे कि बहुत ही कम words use किए हैं और जितना भी जो message convey करना चाहते हैं इस notice के through वो सब convey हो गया है एक school है school के school के लिए क्या requirement है okay और उस कैंडिडेट की क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एज क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस और उस कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ मिलेंगे और कब मिलेंगे और उसको कब कांटेक्ट करना है विद इन फिफ्टी वर्ड्स कंक्लूड कर दिया है यही सब एडवर्टीजमेंट होता है ओके आई होप आपको समझ आएगा थैंक यू वेरी मच